नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन भारत भ्रमण करते हैं और भारत भ्रमण में आज का अपना भ्रमण रहेगा एक और महत्वपूर्ण अपना राज्य, और वो है तेलंगाना, यानी सबसे नव निर्मित राज्य जो अपना है वो है तेलंगाना। और आज अपन भारत के यानी उस राज्य की बात करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। वैसे भारत का 29वां राज्य ये बना था, लेकिन पीछे आप लोगों को पता है आर्टिकल 370 हटा और 35 पे आर्टिकल हटा, तो वहां से अब जो जम्मू कश्मीर है वो पहले राज्य था, वो केंद्र शासित बन गया है। इसलिए वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, वो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है। मित्रों, ये ध्यान रखना। उधर दमन व दीव व दादरा व नगर हवेली का आपस में क्या हो गया है ना, संयुक्त हो गए, वह दोनों एक हो गए हैं। इस वजह से जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और उधर से 2 और बन गए, कौन, लद्दाख व कश्मीर, 9 हो गए। बाद में दमन व दीव व दादरा व नगर हवेलियां क्या हो गई, आपस में मिल गई, तो अब कितने हो गए, 8। अब आपसे ये सामान्य कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में कितने राज्य है वर्तमान में, तो 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, 28 स्टेट है और 8 क्या है, यूटी है, ठीक है, मतलब यूनियन टेरिटरी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपन साथियों बात करते हैं भारत भ्रमण अपना, और आज का भारत भ्रमण अपना कौन सा है, तेलंगाना का है। साथियों, सबसे पहले अपन अपने भारत भ्रमण में हम जैसा कि हर रोज करते हैं, हर रोज हम ये जानते हैं कि इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो कौन कौन से है, यानी कि हमारा जो तेलंगाना राज्य है वो भारत के जिस भाग में है ना भौगोलिक रूप से, उसके आसपास का क्षेत्र है वो किस राज्य का है, वो हमें जानना है। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला बिंदु है उत्तर व उत्तर पश्चिम, ध्यान दें, उत्तर व उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर व उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो मित्रों हमारा उत्तर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर या उत्तर पश्चिम में जो राज्य स्थित है तेलंगाना के, वो है महाराष्ट्र। अब अपन बात करेंगे पश्चिम में, अगर अपन तेलंगाना के ठीक पश्चिम की बात करें तो मित्रों महाराष्ट्र के नीचे वाला ही राज्य आ जाएगा, आप सब लोग जानते हो, और वो कौन सा है, कर्नाटक, ये लो। अब अगर अपन बात करें उत्तर पूर्व की, किसकी, उत्तर पूर्व, ध्यान दे भाई, उत्तर, एक तो उत्तर है और साथ में पूर्व मतलब है ना इस दिशा की ओर, तो यहाँ अपन ये है ना हमारा जो उत्तर होगा छत्तीसगढ़, क्या होगा, छत्तीसगढ़, ये लो। अब उसके बाद अगर अपन बात करें दक्षिण पूर्व है, ठीक है, यहां अगर दक्षिण भी होता, अगर मैं यहां दक्षिण और लिख देता, दक्षिण या दक्षिण व दक्षिण पूर्व है, तो दोनों ही दिशा में आपको पता हो गया होगा कौन सा होगा, जिससे ये खुद अलग हुआ, जिससे ये खुद अलग हुआ, आप सब लोग जानते हो, आंध्र प्रदेश, आंध्र हो गया, तो आंध्र प्रदेश ये इसके किस दिशा में है, आप लोग समझ गए, दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पूर्व, थोड़ा सा बारीकी का अंतर है, आप लोग ध्यान दे लेना। जैसे भी आप लोग इसका मैप पढ़ते हो तो उस मैप में आपको सारी चीज पता चल जाती है, यहां से शुरू होता है, यहां से लेकर के यहां तक रहता है कौन सा, यहां से लेकर यहां तक रहता है अपना, ये अभी बात की अपने महाराष्ट्र की। उसके बाद ये आगे की बात करेंगे कर्नाटक की, तो मैंने आपको बताया पश्चिम में तो ये वाला भाग है, यहां तक का भाग है ये इसका है, ठीक है, और अब ये यहां से लेकर के और यहां तक का जो भाग है ना, तो आप देखो ये नीचे दक्षिण में भी आ गया और इधर कौन सी दिशा है, पूर्व है, तो यहां देखो दक्षिण पूर्व है और दक्षिण, मैंने दोनों ले लिए, और आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और अब यहां जो मैंने आपको बताया है वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ये कैटी यानी कर्नाटक हो गया, ये एपी यानी आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इस प्रकार की इसके सीमावर्ती राज्य है। अब अपन आगे चलते हैं, यानी अब अपना मुद्दा है आंध्र तेलंगाना, और तेलंगाना की सबसे पहले हम राजधानी पढ़ेंगे, तो साथियों राजधानी की जब बात की जाएगी तो उत्तर क्या आएगा, हैदराबाद, क्या आएगा, हैदराबाद, आपको याद होगा ये हैदराबाद पहले ये आंध्र प्रदेश की क्या थी, राजधानी थी, आंध्र प्रदेश से है ना तेलंगाना अलग हुआ तब ये किसकी राजधानी हो गई, तेलंगाना की,
और आंध्र प्रदेश की भी अगले 20 वर्षों तक थी, ठीक है। और आप ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, अमरावती है, ठीक है। तो हैदराबाद हो गया, और हैदराबाद प्राचीन अपन हम बात करते हैं हमारे भारत का जब एकीकरण हुआ था तो यहाँ के क्या थे, निजाम थे, जो इसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे ना, लेकिन किसी सैन्य कार्रवाई के है ना, सैन्य कार्रवाई करवा करके सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसे भारत में क्या करवा दिया गया, मर्ज करवा दिया गया। और यहाँ का जो नवाब है वो यहाँ से निजाम वो यहाँ से भाग गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, सबसे बड़े शहर की, ठीक है। हैदराबाद की बात करते हैं, ये मित्रों मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी पर है। पूछा जाता है कई बार प्रश्न आ जाता है, सबसे बड़ा शहर की बात करेंगे तो साथियों अगर हमें यहाँ कोई उत्तर दूसरा लाना नहीं पड़ेगा, उत्तर क्या आएगा, हैदराबाद। क्या उत्तर आएगा, हैदराबाद। उसके बाद वारंगल का नाम भी आता है, तो पहला यही है। अब अगर अपन बात करेंगे अपने किसके किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अपन लोग तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात आती है, तो मुख्यमंत्री की बात आती है तो आप मुख्यमंत्री को इस प्रकार पढ़ सकते हो, के चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव ये पहले मुख्यमंत्री इस राज्य के और वर्तमान में भी क्या है, मुख्यमंत्री है, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव किसके मुख्यमंत्री है, तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मित्रों राज्यपाल की, ठीक है, किसके राज्यपाल की, तेलंगाना के राज्यपाल की, ठीक है। तो तेलंगाना के जो राज्यपाल है वो है तमिलसाई सोदार राजन वर्तमान में गवर्नर है, किसके, तेलंगाना के। उसके बाद अगला बिंदु अपना आता है गठन, यानी इस राज्य का जो गठन है वो कब हुआ, तो साथियों ये भी महत्वपूर्ण बात है, तो ये आप लोगों को याद होगा इसका जो गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी है ना, 2 जून 2014 ईस्वी बीजेपी की सरकार आई थी एनडीए के, हालांकि पहले इसकी घोषणा पहले यूपीए सरकार में भी की जा चुकी थी, ठीक है। तो 2 जून 2014 को ये अस्तित्व में आया कौन, तेलंगाना, और ये किससे अलग हुआ, किससे अलग हुआ आपको मैंने बता दिया, आंध्र प्रदेश से। एक बार ध्यान से सुन ले साथियों, कल मैंने आप लोगों को आंध्र प्रदेश के जिलों की संख्या बताई थी 13, और वहां मैंने आपको यह बताया था कि जब गठन हुआ किसका आंध्र प्रदेश, विभाजन हुआ किसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, तो उस समय मैंने यह बताया था कि 13 तो किसमें चले गए है ना, आंध्र प्रदेश में, और 10 किसमें चले गए, तेलंगाना में, ठीक है मित्रों। उस समय मतलब तेलंगाना में 10 क्या थे, जिले थे, तेलंगाना में कितने जिले थे, 10 जिले थे। अभी मैं जिलों की बात करूंगा उसमें थोड़ा आपको और बता दूंगा, लेकिन बाद में इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। उसके बाद राजभाषा की बात आती है, किसकी, राजभाषा की, तो राजभाषा वही होगी जो किसकी होगी, अभी हमने बात कर चुके हैं इसकी, राजभाषा वही होगी जो होने वाली है आंध्र प्रदेश की, हम कल ही पढ़कर आ रहे हैं। इसी प्रकार मित्रों ये होगी तेलुगु, अन्य लोग है ना कुछ, ये वैसे तो यही है लेकिन अन्य कई लोग उर्दू भी वहां बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या हमारे सामने यहाँ पर है 3,52,86,757, ठीक है, ये यहाँ की आबादी है, मतलब यहाँ की जनसंख्या है। अगर इस क्षेत्र के है ना एरिया की बात करें, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है 11, देखो ये कितना है 1,14,840 km², मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ ये 12वें स्थान पर है और यहाँ पर भी ये 12वें स्थान पर है अगर बात करें अपने देश में। अब अगर बात करें मित्रों जिलों की है ना, यहाँ कितने जिले हैं, तो यहाँ कुल 33 जिले हैं, और ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है 33 जिले, और इधर अपने राजस्थान में भी कितने जिले हैं 33 जिले हैं, ठीक है। तो तेलंगाना में कितने जिले 33, मित्रों ये बात कब की है 2000, अब मैं बता रहा हूँ 19 न करके इसको पूरा 20 ही ले लेता हूँ, अब वर्तमान की बात है ये, ठीक है। हालांकि सबसे पहले 2014 की अगर बात की जाएगी, जब विभाजन हुआ था 2 जून 2010 को, तो कितने थे 10 थे, और 2000 है ना यहाँ, और फिर इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 2016 में इन्होंने कर दिया सीधे ही अपने क्या 21 जिले इन्होंने बढ़ाए थे है ना, कितने जिले बढ़ाए थे 21 बढ़ाए थे, तो क्या हो गए 31 2016 में,
और उसके बाद है ना 2019 की अगर बात करें, कब 2019 की, तो दो जिले और बढ़ा दिए, तो बढ़ा करके कुल कितने हो गए 33 जिले मैंने बता दिए हैं। आंध्र प्रदेश ने जिलों की संख्या नहीं बढ़ाई है, ठीक है, विभाजन कर दिया इन जिलों को, अब ये ध्यान रख लेना। उच्च न्यायालय की बात करेंगे साथियों, तो यहां पर भी हमें भटकना नहीं है, तीनों जगह वही नाम आएगा, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ये यहाँ का उच्च न्यायालय है, हैदराबाद, ठीक। अब साथियों इससे संबंधित और क्या तथ्य हो सकते हैं, प्रमुख सीटों की जानकारी भी हमें लेनी होगी, यानी कि क्षेत्र की कौन सी है। तो सबसे पहले अपन है ना भारत के अगर अपन देखें तो सबसे ताकतवर जो सदन है वो यही होता है लोकसभा, तो लोकसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं, 17 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 17 सीटें हैं। अगर बात करेंगे किसकी, राज्यसभा की, तो राज्यसभा की साथियों 7 सीटें हैं, कितनी है, 7 सीटें। अगर हम बात करें किसकी, विधानसभा की, तो ये 119 है ना, 119 सीटों वाली विधानसभा है। अगर विधान परिषद की भी बात करें तो यहाँ पर 40 विधानसभा परिषद सीटें हैं। तो मित्रों एक बात समझ गए होंगे ये कौन सा क्षेत्र है ना, ये भी द्विसदनीय है ना, द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पर है, द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं इसे, तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, विधानमंडल, ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा 119 सीटें हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। साथियों कल भी बात की थी भारत में वर्तमान में है ना विधानसभा, उधर आंध्र प्रदेश खत्म कर रहा है, कर दिया है, थोड़ा प्रोसेस बाकी भी है, तो वो है ना जैसे ही पूरी प्रोसेस हो, वैसे भी अगर वर्तमान में करें तो उसको खत्म ही माना जाता है, तो वर्तमान में 5 जो अपने राज्य है उनमें विधान परिषद है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें साथियों राजकीय चिन्ह की, जिसकी राजकीय चिन्ह की, तो सबसे पहले आता है पशु है ना, पशु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जिंक का हिरण, ध्यान देना जिंक का हिरण यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है। और अगर अपन इससे भी आगे निकलना चाहते हैं यानी पक्षी की ओर बढ़ते हैं, तो पक्षी अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा इंडियन रोलर, इंडियन रोलर, इंडियन रोलर हो गया। और जब अपन बात करेंगे है ना यहाँ इसका एक और नाम मिलता है, वो है पानपेटा, पानपेटा नाम मिलता है इसका, पानपेटा या इंडियन रोलर यहाँ के पक्षी का नाम है, राजकीय पक्षी का। अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष है जम्मी, जम्मी चट्टू, वृक्ष का नाम क्या है, जम्मी चट्टू है, वृक्ष का नाम क्या है, जम्मी चट्टू। और अगर पुष्प की बात करें तो ये टंगेडू, पुष्प कौन सा है, टंगेडू है भाई, पुष्प है टंगेडू, पुष्प है वो कौन सा है, टंगेडू है, ठीक है। अब देखो मित्रों ये चारों है, दोबारा देखो पशु कला है ना, पशु जिंका हिरण, पक्षी पानपेटा या इंडियन रोलर, वृक्ष जम्मी चट्टू और पुष्प टंगेडू है ना, याद कर लेना आप लोग। देखो पुष्प क्या होता है, टंगा हुआ रहता है डालियों के ऊपर, तो टंगेडू। वृक्ष क्या होता है, जम्मी चट्टू, जमीन के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और ये इंडियन रोलर पक्षी है ना, ये पुष्प तो हो ही गया, और पक्षी अगर बात करें तो पान पेटा या इंडियन और रोलर, उसको सीधा आप लोग याद कर लेना, पान पेटा या इंडियन रोलर, और पशु है जिंका हिरण, ठीक है। और जब इस वृक्ष की बात करते हैं ना जम्मी चट्टू की, तो मित्रों इसका जो नाम मिलता है वैज्ञानिक प्रोसेसिप सिनरेरिया, अब जैसे ही ये मैंने नाम लिखा है तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी, हमारे यहाँ राजस्थान में खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनरेरिया, ठीक है, तो वही है, उसी की प्रकृति का वहां पर जो पादप पाए जाते हैं है ना, लगभग खेजड़ी के बिल्कुल समान नाम उनका अलग दे रखा है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। अब अपन बात करेंगे इस क्षेत्र की नदियों की, तो मित्रों नदियों की जब भी बात करेंगे तो एक चीज आप लोग ध्यान कर लेना, नदियों में यहाँ की प्रमुख नदी है वो कौन सी है, जिंका हमने बात की, हिरण की, ठीक है। तो नदियां अगर करें तो सबसे पहले कृष्णा यहाँ की प्रमुख नदी है, अब कई लोग सोच रहे हैं कि कल भी कृष्णा लिखा दिया आज भी लिखा दिया, अरे भाई नदी रुक थोड़ी जाती है, सीमा पर आगे भी बहती है, मतलब 2 राज्य 3 राज्य 4 में भी बह सकती है, तो कृष्णा यहाँ, गोदावरी भी है यहाँ की प्रमुख नदी,
गोदावरी और कृष्णा गोदावरी नदी के बिल्कुल मध्य में पूरा का पूरा तेलंगाना है ना स्थित है, ये भी आप जान लेना। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वो है मुसी नदी। कौन सी नदी? मुसी नदी। और ये मुसी नदी है, इसी के किनारे क्या स्थित है? हैदराबाद स्थित है ना, हैदराबाद। ठीक है, तो ये नदियों की बात हुई। अब अगर अपन बात करें किसकी साथियों, राष्ट्रीय पार्क की, किसकी? राष्ट्रीय पार्क की। तो एक राष्ट्रीय पार्क है यहाँ मृगवनी नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान, यह यहाँ का प्रमुख उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर अपन बात करें किसकी, यहाँ स्थित अन्य और भी राष्ट्रीय पार्क की, तो एक नाम और आता है, वो है धौंसू ब्रह्मगिरी ब्रह्मानंद लिखना, सॉरी ब्रह्मानंद रेड्डी, धौंसू ब्रह्मानंद रेड्डी, धौंसू ब्रह्मानंद रेड्डी। ठीक है, ये नेशनल पार्क है इसके नाम से। और एक अगर अपन और बात करें तो वो हो जाएगा महावीर हरिणा नेशनल पार्क, हरिणा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे पहले महत्वपूर्ण है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पर है? राष्ट्रीय पार्क है तेलंगाना में है। अब यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी जानकारी लेते हैं, मतलब दर्शनीय स्थलों की। और दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे तो हैदराबाद खुद एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो दर्शनीय स्थल है वहां के कुछ ना पैलेस बहुत जबरदस्त है। जैसे कि मैंने हैदराबाद एक तो बता दिया राजधानी क्षेत्र है ना, तो वैसे ही विशेष हो गया। और भी यहाँ पर सरकारी कामकाज के कार्यालय बताए मैंने, जैसे यहाँ की विधानसभा का जो प्रमुख मैंने आपको अड्डा बताया, इसी प्रकार मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ ये सबसे बड़ा शहर है, यहीं पर क्या इनकी राजधानी है और यहीं पर इनका क्या स्थित है, हाई कोर्ट स्थित है, तो वो भी ध्यान रखना उच्च न्यायालय है ना। अब अगर बात करें कुछ और है ना क्षेत्रों की, तो ये चार मीनार है ना, ये भी कहा है मित्रों? हैदराबाद में ही है। और ये जो बिड़ला मंदिर है ना, ये भी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो इन दोनों तीनों को एक साथ याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो वो आपका उत्तर आएगा तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आपने सुना होगा, वो सांसद है। ठीक है, अब है ना, अब AIIMI के वो क्या है, अध्यक्ष है। अब अगर अपन बात करें किसकी, बिड़ला मंदिर की हो गया। वारंगल क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, वारंगल दूसरा सबसे बड़ा यहाँ का क्या है, शहर है। और ये भी बड़ा ही मनमोहक सुंदर दर्शनीय देखने लायक है। फलकुनुमा है ना, ये देखो आगे अपना कौन सा बिंदु है ना, फलकनुमा पैलेस। ठीक है, वहां पर बड़ा ही सुंदर और दर्शनीय, ये भी देखते ही बनता है। जब कभी आप लोग वहां जाओ तो ये जरूर देख के आना ये स्थल। और मेदक शहर, यहाँ का प्रमुख बड़ा शहर मेदक, संगारेड्डी है ना, ध्यान देना संगारेड्डी में एक बहुत ही जबरदस्त है ना, एक संगारेड्डी में जबरदस्त एक बना हुआ है संग्रहालय। क्या बना हुआ है? संग्रहालय, तो नाम से याद करना संगा है ना, संग्रहालय मिलता है। ठीक है, वैसे आपको एक एक बार याद करना है इनमें से कहां पर कैसे है। निजामाबाद की बात करेंगे तो वो भी कहां पर है ना, यहाँ का मतलब तेलंगाना, रामागुंडम यहाँ का जिला भी, जिला क्षेत्र भी है ये। खम्बन का किला बहुत महत्वपूर्ण है, खम्बन का किला। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो महबूब नगर है ना, महबूब तो तुम जानते ही हो कौन होता है। आदिलाबाद है ना, ये क्षेत्र भी किस में आता है, आदिलाबाद का क्षेत्र तेलंगाना में। और नल्ला गोंडा का क्षेत्र है, ये भी बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। रंगारेड्डी, ये रंगारेड्डी भी वहां है, एक यहाँ झरना है बहुत बड़ा है ना। और अगर बात करें सिरसिला की, तो मित्रों ये यहाँ का कपड़ा निर्मित उद्योग है, कहने का मतलब कपड़ा सिटी के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़े का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, छपाई रंगाई बहुत ज्यादा काम होता है यहाँ कपड़े का, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। तो ये प्रमुख शहर है, एक एक बार आप लोग इनको पढ़ लेना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा डीपली चीजों में जाओगे तो वहां इनके अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो आपको थोड़ा ही जानकारी होनी चाहिए कि ये बड़ा बड़ा प्रारूप है हमारे भारत में। हम बार बार कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं, तो कुछ न कुछ भारत की बातें हमें जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो आप सब लोग जानते हो। आज की महती आवश्यकता भी है, और यहाँ ये इनकी बात कर रहा हूँ, ये हमारे लिए सारी क्या जरूरी भी है। ठीक है,
ये सारी जरूरी है, कोई भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण होती है, कई बार ये राजनीतिक रूप से चर्चा में रहती है, जैसे मान लो कभी चुनाव होते हैं तो ये चर्चा में हो जाती है, फिर अगले टाइम प्रश्न आ जाते हैं, देखो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव चुनाव के बाद आगे कोई एग्जाम होता है प्रश्न आ जाता है, है ना। जैसे लोकसभा का इधर चुनाव हुआ, प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा में कितनी सीटें तेलंगाना में, अगर हमने पहले ही पढ़ रखी है तो हमें एक तो अब पता होगा, दूसरी बात देखो करंट को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, करंट तब पढ़ी जाती है जब पीछे की बातें हमें पता हो। हमें आप बताएं कि लोकसभा में 17 सीटें हैं, अब लोकसभा में सीटें अगर कभी परिवर्तन भी करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कितने हैं, पहले 17 थी अब 19 होगी, मान लो अब 19 होगी तो अब प्रश्न आ गया कितनी सीटें बढ़ी है, तो हमें पता है 2 सीटें बढ़ी क्योंकि पिछली हमें पता है। इस प्रकार है ना, अगर आप करंट की चीजें जानना चाहोगे थोड़ा पीछे की चीजें हमें जाननी पड़ेगी। द्विसदनीय विधानमंडल की भी हमने बात कर दी है, तो ये भी आप लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी जानना द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। तो आज का अपना जो भारत भ्रमण है ये पूरा, मित्रों एक एक बार इन चीजों को देख लेना याद हो जाएगा, और लगातार बने रहो मित्रों, हम आपको इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हर रोज कुछ नया है ना सिखाने की चेष्टा करेंगे, और आप लोगों का सहयोग काबिले तारीफ है, और लगातार बने रहिए अगर आपको कुछ बनना है तो, और लगातार जो रहता है वो एक दिन जरूर सफल हो जाता है साथियों। इसी शुभकामना के साथ आज की मैं कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।